काइनेमेटिक्स में एक लेक्चर हमने लिया और एवरेज वेलोसिटी, रेस्ट और मोशन, कांस्टेंट स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन डिफाइन किया था क्या, एवरेज एक्सेलरेशन? नो सर, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी तक पढ़ाया था सर। ठीक, तो आज हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन देखेंगे, है ना? लेकिन सर वेक्टर्स के सब ट्यूटोरियल्स डिस्कस नहीं हुए हैं। यस सर, सेकंड और थर्ड ट्यूटोरियल बाकी है डिस्कशन की। ये हो गया था ना, बुकलेट्स हो गया ना तुम्हारे, शीट्स? हाँ हाँ सर, वो हो गया। हाँ, शीट हो गया, काफी है। ये ट्यूटोरियल्स तो मैं एक्स्ट्रा देता हूँ कि हाँ चलो कुछ बच्चे और मेहनत कर ले, है ना। शीट्स कंप्लीट हो गया, काफी है। जैसे बेसिक मैथमेटिक्स में कम था क्वेश्चंस, तो मैंने थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करवाया, तो सीट्स अलग से दे दिए, है ना। अच्छा, एक्सेलरेशंस कैसे डिफाइंड है, क्या है एक्सेलरेशन? तो हम लोग बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी विल चेंज व्हेन वेलोसिटी विल चेंज विथ टाइम, वी विल से द पार्टिकल हैव एक्सेलरेशन। चेंज का मतलब होता है कि अभी कुछ है, बाद में कुछ और हो गया, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और एक और चीज है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड सेम भी रह सकता है, बट डायरेक्शन चेंज हो गया। सो बाय एनी हाउ वेलोसिटी चेंज का मतलब आइदर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ या डायरेक्शन चेंज हुआ या दोनों चेंज हुआ, तो हम लोग कहेंगे द पार्टिकल विल हैव एक्सेलरेशन। क्लियर स्टेटमेंट? कैसे डिफाइन है, तो पहले हम लोग डिफाइन करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। शॉर्ट में ऐसे लिख दिया एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सरसाइज डिफाइंड एज एवरेज रेट, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, डेल्टा वी। इसका मतलब हुआ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। This is the definition of average acceleration. I hope कि definition सबको clear है बच्चों। चलो मैं यहां पे ही instantaneous acceleration भी define करता हूं। Instantaneous acceleration कैसे define हो गया? Delta हो गया dv अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा डी टी, हो गया डेफिनेशंस। और अगर लैंग्वेज में कहें तो एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है। जैसे अगर मैं कहूं कि एक पार्टिकल, समझना इसको, इसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब हुआ, देखो पर सेकेंड स्क्वायर क्यों लिखा है नीचे, क्योंकि वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड और यहां भी एक और सेकेंड है, तो यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
एक सेकेंड में उसका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर किसी टाइम पे मैं कहूं कि उसका वेलोसिटी t = 0 पे 3 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन ये है, तो तुम गेस कर सकते हो कि t = 1 सेकेंड पे कितना होगा। तुम कहोगे 3 मीटर पर सेकेंड से एक और बढ़ गया, 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। t = 2 सेकेंड पे और कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड और बीता, एक और बढ़ जाएगा, क्लियर। ये तो ऐसे ही समझाने के लिए लिख लिया, यहां तक लिख लो अपने नोटबुक में। तो ये सवाल मैंने पिछले क्लास में लिया था, डिस्प्लेसमेंट ये सब बताया था। एक्सेलरेशन में भी वही सवाल लेता हूं। A particle is moving with constant speed on a semicircular path of radius r. ये गया A, B, C. A से B से होते हुए C तक गया। So for the motion A to C, what is average acceleration? बच्चों एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज डेल्टा भी वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर होगा। एवरेज एक्सेलरेशन अगर पूछा है तो हमें करना क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। मान लेते हैं इसको x एक्सिस मैंने कहा था लेने के लिए और इसको कहा था y एक्सिस लेने के लिए। अगर मैं फाइनल वेलोसिटी पूछूं तो क्या होगा, इन द लास्ट लेक्चर वी सेड दैट कि वेलोसिटी विल बी ऑलवेज टेंजेंशियल टू पाथ। v माइनस i कैप। बहुत बढ़िया। ऋषभ सोनी कनेक्टेड हो क्या, v2 जो जाएगा वो जाएगा v माइनस i कैप, नहीं तो ऋषभ फिर से पूछेगा। ऋषभ यस सर, समझ में आया क्या ये v2? हाँ सर। चलो वेदांत शिंदे, v1 क्या लिखूं? V1 will be VI cap upon time, तो निकालने के लिए लास्ट क्लास में सिखाए थे। यज्ञेश क्या होगा टाइम? Pi R upon V। बहुत बढ़िया, देखो ये डिस्टेंस कितना चला है, ये ऐसे चला है पाई आर। तो टाइम तो तुमने 10th क्लास में पढ़ा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये माइनस आई कैप, ये तो क्या हो जाएगा माइनस टू वी, और ये नीचे का वी चला गया है तो 2v² अपॉन पाई आर आई कैप। तो ये जेई मेन लेवल का सवाल है, ये आ सकता है, व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन फॉर दिस मोशन। छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, वहीं पे लिख लो और मुझे बाद में बताना, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन फॉर मोशन ए टू बी। A से B के लिए एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है?
लिखना था ये भी कुछ भी नहीं लिखा था क्या? नहीं ठीक है मैं बोल देता हूँ। हमने बहुत छोटा सा सवाल लिया, वेलोसिटी दे दिया है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और पूछा एक्सेलरेशन एट सर्टेन टाइम। तो तुम्हें क्या करना, पहले एक्सेलरेशन निकालो किसी टाइम पे, डीवी बाय डीटी, डी बाय डीटी ऑफ टू टी स्क्वायर माइनस फोर आई कैप। आई कैप तो कांस्टेंट है, तुम लोग ये बात तो सुनते नहीं हो। आई कैप कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा टू टी स्क्वायर का हो जाएगा फोर टी, फोर का हो जाएगा जीरो, आई कैप रह जाएगा कांस्टेंट फोर टी आई कैप। एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू टू सेकेंड, टी का वैल्यू टू पुट कर दो एट आई कैप। दिस इज योर आंसर। यूनिट वगैरह नहीं डालना है ना, मीटर्स पर सेकेंड। अगर ये यहाँ पे कहा है कि यूनिट ऐसा यूनिट में है तो मीटर पर सेकेंड डाल दोगे, अगर कुछ नहीं दिया हो तो रहने दो जो भी यूनिट है। लेकिन यही सवाल अगर मैं पूछ दूं, ये पहला सवाल था, दूसरा सवाल फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन इन टाइम टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू टू सेकेंड। इसी सवाल का देखते हैं कि कौन कौन सा बच्चा इसको सॉल्व करता है। एवरेज एक्सेलरेशन का हमने डेफिनेशन क्या बोला है, फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू टू सेकेंड माइनस वेलोसिटी एट जो भी है अपॉन टाइम इंटरवल। तो ये वेलोसिटी एट एनी टाइम टी है, वेलोसिटी एट टू सेकंड निकालना है। कितना है ये, किस इंटरवल में पूछा, जीरो से टू सेकंड, जीरो सेकंड पे वेलोसिटी निकालना डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। हेडिंग डालो रेक्टिलिनियर मोशन। अच्छा ये रेक्टिलिनियर मोशंस का मतलब हुआ मोशन ऑन ए लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन।
इसी को बोलते हैं ऐसे वन डायमेंशनल मोशन। मतलब अगर सपोज पार्टिकल मूव करा इधर, इसको एक्स एक्सिस मान लिया, तो पार्टिकल का सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक लाइन पे कन्फाइंड है, या वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है ना, तो उसको बोलते हैं वन डायमेंशनल। लेकिन अगर पार्टिकल सपोज ये बोर्ड पे ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, उसको बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन। और इधर भी जा रहा है एक्स वाई, और जेड कंपोनेंट भी चेंज होगा, सो उस केस में हम लोग कहेंगे 3D मोशन। 3D, तो 2D अगर समझ में आया तो 3D तो आराम से हो जाएगा। तो पहले हम लोग फोकस करेंगे वन डायमेंशनल मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। पहले हम लोग वन डायमेंशनल को अच्छे से सीख जाएंगे तो टू डायमेंशनल मोशन उसी पे बेस्ड है ना, वो दो बार कैलकुलेशंस करना होता है, लेकिन बच्चों को टफ लगता है वो। ये अगर कॉन्फिडेंस इसमें आ गया तो वो भी हो जाएगा, तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है। अब इसमें एक कन्वेंशन यूज करेंगे। कन्वेंशन ये होगा कि जब हमें पता है कि पार्टिकल का मोशन का डायरेक्शन इधर है, तो वेक्टर या तो इधर होगा या इधर होगा। वेलोसिटी है तो या तो इधर होगा या तो इधर, दो ही ऑप्शन है, या तो आई कैप होगा या माइनस आई कैप होगा। अगर टू डायमेंशन होगा तो कभी इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इधर इधर सिर्फ दो डायरेक्शन। सो अगर सपोज मान लो इसका इधर वेलोसिटी है v1 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, सो हम v1 वेक्टर लिखना चाहेंगे 4 आई कैप। अगर सपोज एक वेक्टर है इधर v2 जिसका मैग्नीट्यूड है 6 मीटर पर सेकेंड इधर है, तो इस केस में हम लिखेंगे v2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप। अब क्या होता है कि आई कैप माइनस आई कैप बार बार लिखना कन्वीनियंट नहीं है, तो कन्वेंशन हम लोग लेते हैं कि सिंपली v1 इज इक्वल टू 4 लिख दिया और v2 इज इक्वल टू -6 लिख दिया। मतलब प्लस और माइनस से हम डायरेक्शंस बताएं। इज इट क्लियर? वन डायमेंशनल मोशन में हम ये कन्वेंशन यूज करेंगे कि प्लस माइनस से डायरेक्शन शो करने के लिए यूज करेंगे। तो उसमें तुम मान लिया कोई एक डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव ले लिया तो जो क्वांटिटी इधर होगी उसको हम माइनस कहेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये लिख लेना, लिख लो जल्दी से। तुम लोगों ने 10th में पढ़ा, अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, पार्टिकल कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करे तो डिस्टेंस कितना चलेगी पार्टिकल, दैट विल बी गिवन बाय s इज इक्वल टू v इनटू t। बताओ ये सबको आता है कि नहीं फॉर्मूला? सबको आता होगा। यस सर, सिंपल है। अगर मुझे कभी टाइम निकालना होगा तो तुमको बताने की जरूरत, मतलब मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? t इज इक्वल टू मैं लिखूंगा s बाई वी, है ना। चलो तो देखो, मैं सवाल से ही स्टार्ट करता हूं। ये लिख लिया थ्योरी, हो गया थ्योरी, तुम्हें पता था। अब सवाल ले रहा हूं मैं, पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, लिखो पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, it moves with constant speed for time t1. So repeat karna. हाँ, it moves with constant speed for time t1 and then it moves with constant speed v2 for another time t2. मतलब तुमने बाइक लिया, स्टार्ट किया, घर से निकला और पहले चलाया 20 किलोमीटर पर आवर से आधे घंटे तक,
और फिर 40 किलोमीटर पर आवर से एक घंटे तक काइंड ऑफ थिंग, ऐसा कुछ सवाल है। टी वन टाइम तक कितना स्पीड से चला है, वी वन से। अनदर टाइम टी टू, नेक्स्ट टाइम टी टू से तक किस स्पीड से चला है, वी टू से। तो यहां से यहां तक चला, तो इस मोशन के लिए व्हाट इज द एवरेज एवरेज स्पीड, क्वेश्चन पे रिपीट करो ना, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। ये कांस्टेंट है, सर यहाँ पे ये V1 V2 डिफरेंट है ना, कांस्टेंट नहीं है ना। V1 V2 कांस्टेंट है, V1 वेलोसिटी, जैसे हमने एग्जांपल भी तो बताया कि 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो आधे घंटे तक, फिर एक घंटे तक चले 40 किलोमीटर पर आवर। तुम कहोगे सर आपने एवरेज स्पीड बताया था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम। तो कहोगे सर टोटल टाइम तो आपने बता दिया, ये टी वन तक चला है और टी टू तक चला है, टोटल टाइम कितना है, टी वन प्लस टी टू। टोटल डिस्टेंस कितना चला है, V1 T1 plus V2 T2. V1 T1 plus V2 T2. V1 T1 plus V2 T2. Plus V2 T2. और S2 हो जाएगा V2 T2. क्या कोई टफ सवाल पूछा क्या? अब अगर मैंने टेस्ट में तुझे दे दिया 10 किलोमीटर पर आवर से चला है दो घंटे तक, फिर 20 किलोमीटर पर आवर से तीन घंटे तक, 40 किलोमीटर पर आवर से एक घंटे तक, क्या होगा एवरेज स्पीड, नहीं बता सकते हो? बता सकते हैं। आई होप कि सबको क्लियर होगा ये। चलो सो एक स्पेशल केस लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर नीचे वाला का, क्या फाइंड करने है सर? फाइंड एवरेज स्पीड। एकदम दिमाग खुला रखना बच्चों यहाँ पे। अच्छा मैंने V1 plus V2 upon 2 जो नए बच्चे हैं, जो नए बच्चे उनको भी पूरा समझ में आएगा अभी, अब से पीछे का थोड़ा सा कैलकुलस का बता दिया था इसलिए दिक्कत हुआ होगा। अभिराज समझ में आ रहा है ये सवाल? इसका आंसर मुझे लगता है सबको आ गया होगा। हाफ टाइम कितना टाइम है नहीं पता, मान लिया कि टी टाइम है, हाफ टाइम को टी टाइम तक चलाया वी वन से और टी टाइम तक चलाया इससे, या सपोज टोटल टाइम ऑफ जर्नी टी नॉट है। तो कहा है कि इस सवाल में कि वी वन से चला है हाफ टाइम टी नॉट बाई टू प्लस V2 से चला है रेस्ट हाफ,
टी नॉट बाय टू डिवाइड बाय टोटल टाइम ऑफ जर्नी, कितना सिंपल सा आंसर है, वी वन प्लस वी टू बाय टू। दूसरा सवाल ले रहा हूं, और ये खुद से तुम लोग करोगे। सर वो हाफ के बाद ऑफ है क्या? हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस बाय वी वन एंड रेस्ट हाफ विद द स्पीड वी टू। फाइन एवरेज स्पीड। एक मिनट का टाइम है, तुम्हें सॉल्व करना है। सो लेट्स, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, जिसमें से हाफ डिस्टेंस चला है वी वन से और दूसरा हाफ नेक्स्ट हाफ चला है वी टू से। तो एवरेज स्पीड का डेफिनेशन है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम किसमें दिया नहीं है, तो मान लो कि यहां से यहां जाने का टाइम लगा है टी वन और यहां से यहां जाने का टाइम लगा है टी टू। सो टी वन तो सब लोग बता दोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड अभी तुमने बताया था, यहां से यहां जाने का टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही हो गया एवरेज एवरेज स्पीड। देखो एस तो कैंसिल हो जाएगा, इसको जस्ट सॉल्व कर लो तो यह आ जाएगा टू वी वन वी टू डिवाइड बाई वी वन प्लस वी टू। क्या किसी को इसमें तकलीफ? दर्शना, देखो ये सबको आना चाहिए यार। हमने सवाल में थोड़ा सा चेंज कर दिया, बोल दिया कि टोटल डिस्टेंस का वन थर्ड चला है वी वन से एंड रेस्ट टू थर्ड, बचा हुआ टू थर्ड चला है वी टू से। तो मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करो, फिजिक्स में डायग्राम तो जरूर ड्रॉ करो, जो कह रहा है उसको डायग्राम में लिखने की कोशिश करो। तो मान लिया ये टोटल डिस्टेंस चला है एस एंड वन थर्ड मतलब एस बाई थ्री, ये चला है वी वन स्पीड से और फिर यहां से यहां बचा हुआ टू थर्ड टू एस बाई थ्री किस स्पीड से चला है वी टू से, ऐसे मैंने शॉर्ट में लिख लिया। तो अगर मुझे यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगा टी वन, सो वी विल से डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां से यहां जाने का टाइम कितना लगा है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये हो जाएगा टी टू। सो वी एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब दोबारा ये कोई मत पूछना, मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं, अभी तक में कोई डाउट है तो पूछ लो। एस बाई थ्री वी वन प्लस टू एस बाई थ्री वी टू, एस तो कैंसिल हो जाएगा, थ्री वी वन वी टू डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू 2v1 plus v2 2v1 plus 2v1 plus 2v1 2v1 2v1
वेदांत ने कहा सर वो बोल रहा है लेकिन सुन नहीं पा रहे, हाँ हमें आवाज तो सुनाई नहीं दे रही है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इस पे बेस एक आध सवाल है तो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा और डाउट में लूंगा, पहले खुद से ट्राई करना डाउट में लूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने कांस्टेंट स्पीड वाले सवाल कुछ करवाए, अब लेते हैं कि अगर एक्सेलरेशन है ना। सो हेडिंग डालो मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अभी तक कांस्टेंट स्पीड था, वेलोसिटी स्पीड चेंज नहीं हो रहा था, कुछ इंटरवल तक v1 था फिर कुछ इंटरवल में v2 हुआ। अभी एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। जैसे एग्जांपल बताया 2 m/s², तो पहला सेकंड में 2 m/s से बढ़ा स्पीड, फिर नेक्स्ट सेकंड में भी 2 m/s से ही बढ़ा, उसके बाद भी 2 m/s से ही बढ़ा, मतलब ये कांस्टेंट है। कहोगे सर वेरिएबल रहेगा तो कैसे रहेगा, जैसे वेरिएबल रहेगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिया हुआ है 2t+1। अब ये एक्सेलरेशन को कहेंगे कि ये है वेरिएबल एक्सेलरेशन, अलग अलग टाइम पे एक्सेलरेशन अलग है। इज इट क्लियर, ये है कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। तो अभी हम लोग बात किसका कर रहे हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। बच्चों इसके लिए हमने 3 फॉर्मूला काइनेमेटिक्स में तुम लोग 10th में पढ़ा होगा, v=u+at, जो पढ़े वही बता रहा हूं। देखते हैं कुछ बच्चों को याद है क्या फॉर्मूला। एक दूसरा फॉर्मूला होता है s = ut + 1/2at² मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। और एक और होता था v = u + 2s + u² एकदम सही। ये तीनों फॉर्मूला तभी वैलिड है व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूं। इसमें v = u+at में v को बोलेंगे U को क्या बोलेंगे, A तो पता है T टाइम है, U इज इनिशियल का मतलब वेलोसिटी एट t = 0। इसको बोलेंगे या तो बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, बट मैं एक सजेस्ट करूंगा इसको बोलो वेलोसिटी एट टाइम टी, और ये ए हो गया एक्सेलरेशन। इस सवाल में इस फॉर्मूला में एक टर्म नया आया एस, एस को क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यह है डिस्प्लेसमेंट, not distance travel, and this is a vector equation, not a scalar equation, because यहाँ पे u और a sign के साथ होगा plus minus, क्योंकि one dimension के लिए है तो हमने सिर्फ plus minus में लिख दिया।
जो भी होगा अगर एक्सेशन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है लिखेंगे, नेगेटिव है मतलब इधर या पॉजिटिव है तो माइनस से लिखेंगे. सो दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन. सो एस इज नॉट डिस्टेंसेबल, एस इज डिस्प्लेसमेंट. एंड एस को ऐसे भी लिखते हैं, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन. यहां पे एस टू को मैं बोलूंगा फाइनल पोजिशन और एस वन को बोलूंगा इनिशियल पोजिशन. ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन. डिस्प्लेसमेंट का यही डेफिनेशन है. सिमिलरली यहां भी एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है. तो सारे टर्म्स हमने बता दिए. अब देखो कब क्या कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये तुम्हें सवाल से क्लियर होगा. अगर इनिशियल वेलोसिटी दिया, एक्सेलरेशन दिया, वेलोसिटी किसी टाइम पे पूछा तो ये बता दोगे. अगर इनिशियल वेलोसिटी दिया, टाइम दिया, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे. सिमिलरली इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दिया, पूछा उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे. तो ये सवाल के अकॉर्डिंगली विच फॉर्मूला विल बी यूजफुल टू यू वो समझ में आएगा प्रैक्टिस के साथ. तो आगे बढ़े बच्चों, थ्योरी हो गया. सॉरी ये आया कैसे, आप डिराइव करो, टेंथ में डिराइव किए होगे ग्राफ से, बट यहाँ पे हमने कैलकुलस पढ़ाया है तो हम कैलकुलस से बता देते हैं, है ना. पर कैलकुलस से डेरिवेशन इजी है ना. हाँ, तो बहुत इजीली हम यहाँ पे कर लेते हैं कैलकुलस में डेरिवेशंस. फॉर न्यू स्टूडेंट सिमरन, प्रशांत और कुछ कुछ बच्चे हैं उनको दिक्कत होगा. सबसे पहला फॉर्मूला तो बताओ, एक्सेलरेशन का हमने क्या डेफिनेशन लिखा था, डीवी बाई डी टी, यही तो लिखा था. और इसको लिख सकते हैं डीवी इज इक्वल टू ए डी टी, डीवी इज इक्वल टू ए डी टी. इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं और यहां लिमिट भी पुट करते हैं. t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी कितना है, तो लेट्स u, किसी टाइम t पे वेलोसिटी कितना है तो v. dv का इंटीग्रेशन हो गया v, जिनको इंटीग्रेशन पता है, लिमिट लोअर और ये अपर. ये बच्चों ये बेसिक है. अब चूंकि हम सॉल्व कर रहे हैं कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, एक कॉन्स्टेंट है, सो वी कैन टेक इट आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन. सो ए हो गया बाहर, डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, लिमिट पुट कर देंगे जीरो टू टी. सो हो जाएगा अपर लिमिट. मैं फिर से बोल रहा हूं, न्यू स्टूडेंट डोंट वरी, वी माइनस यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. पुराने स्टूडेंट तो चुटकी में कर लिया हूं. एक्सक्यूज मी सर, सर इन फॉर्मूलास को हम वेक्टर में लिख सकते हैं, वेक्टर नोटेशन. क्या फिर से बोलो सर, इन तीन फॉर्मूलास को हम वेक्टर नोटेशन से भी लिख सकते हैं ना. यस यस, जब हम टू डायमेंशन पढ़ाएंगे तो उसमें लिखाते हैं और उसमें बताते हैं कि एग्जैक्टली ये अभी भी वेक्टर इक्वेशन ही है, बट वन डायमेंशन के लिए भी लिखा था, टू डायमेंशन में भी यही सही है. सर तो फिर इसमें ये ए टी डॉट प्रोडक्ट होगा क्या? नहीं नहीं, ये डॉट प्रोडक्ट, ये टी क्या है, तो स्केलर है. स्केलर है तो डॉट प्रोडक्ट किसके बीच में होता है, दो वेक्टर के बीच में होता है. ये क्या है, एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी. जैसे वेक्टर क्वांटिटी ए है, इसको टू से मल्टीप्लाई किया तो टू ए लिखा. आई कैप है, इसको फाइव से मल्टीप्लाई किया तो फाइव आई कैप. वी डोंट पुट एनी सिंबल है, इसका मतलब हुआ स्केलर क्वांटिटी को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई. मतलब स्केलर इनटू वेक्टर वेक्टर होता है ना, स्केलर इनटू वेक्टर वेक्टर होता है ये. यस सर, लेकिन यहां पे देखोगे ये वी स्क्वायर, तो ये एग्जैक्टली वी डॉट वी
माइनस यू स्क्वायर को लिखेंगे u डॉट u दैट इज इक्वल टू यहां पे 2s, ए भी वेक्टर एस भी वेक्टर, ये हो गया जनरल इक्वेशन 2d 3d सबके लिए। अभी हमारा फोकस यहां पे, ये सबको समझ में आ गया ओल्ड स्टूडेंट? यस सर। यस सर। ये लिख लिया होगा, मिटा दो इधर सर, लेफ्ट हैंड साइड का रहने देना, वो रफ किया तो नहीं, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है। यस सर। नहीं सर, हमारी लेफ्ट हैंड साइड। पहला फॉर्मूला आपने प्रूफ कर लिया, दूसरा फॉर्मूला प्रूफ करना है। वेलोसिटी वेक्टर इज़ इक्वल टू ds / dt। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ से कैसे लिखे, देखो यहाँ पे v और a था, इसलिए हमने a और v का रिलेशन लिखा। यहाँ पे s और v है, उसमें a भी है, तो क्या करते हैं, v इज़ इक्वल टू, हमें पता है ds अपॉन dt, और ds को हम लिख सकते हैं v dt। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे s जो है उसको बोलते हैं पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इट्स कॉल्ड वेलोसिटी। पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है तुम्हें समझ में आ जाएगा टाइम के साथ, कभी कभी बच्चों को तकलीफ होती है। सर v कांस्टेंट है ना, v को बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन से? हाँ सर, कांस्टेंट है। V constant है, कहाँ कहाँ V constant है? कभी सर V constant नहीं है। V constant? No sir, V is not constant. कभी तो acceleration है। U plus 80 है सर। U plus 80 put कर सकते हैं हम। U plus 80, बहुत बढ़िया। dt, अब इसको अलग-अलग कर सकते हैं integration। U को बाहर ले लिया, dt का integration हो जाएगा t। फिर देखो a t d t, a बाहर हो सकता है, t d t का इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिख रहा हूं t स्क्वायर बाय 2, नए बच्चे को तो समझ में नहीं आएगा, पुराने को आ जाओ। और लिमिट 0 से लेकर के t, इसको लिख दिया s2 s1, s2 माइनस s1, इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। नीचे नहीं दिख रहा है, नीचे कर देता हूं थोड़ा सा, ये t पुट करो तो ये रह जाएगा, जीरो पुट करो तो सब जीरो हो जाएगा, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। सर एक डाउट था कि आपने लिखा a इज इक्वल टू dv बाय dt, तो हम लोग ने अगर v बोलो तो सब्सटीट्यूट किया ds by dt से, तो d2s by dt square, मतलब s का डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा ना, a इक्वल टू, हाँ एकदम सही। हाँ तो ये दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, होता है dv by dt, और v को लिख लेंगे dy by dt of, v को लिखेंगे ds by dt, so a को ऐसे लिख सकते हैं d2s by dt square, double differentiation of a, है ना? अब बताओ सर्वेश क्या डाउट आ रहा है? नहीं नहीं, ये डाउट है कि हम लोग ऐसा लिख सकते कि नहीं। हाँ ऐसा लिख सकते हैं ना, लेकिन अगर मुझे a निकालना और s दिया है double differentiation, उसमें भी हम पहले एक बार differentiate करते हैं फिर उसको एक बार और करते हैं, प्रोसेस वही है, ठीक है? Yes, sir. करना वही, एक बार किया फिर एक बार और किया। जैसे अगर तुम्हें मैं कह दूं कि एक्स क्यू का डी टू एक्स क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर करो, सॉरी डी एक्स स्क्वायर करो, एक्स क्यू का दो बार डिफरेंशिएशन,
तो इसको पहले एक बार करोगे फिर एक बार और करोगे, है ना? तीन बार रहेगा तो एक एक करके तीन बार करना पड़ेगा। अब आता है ये फॉर्मूला, इसके लिए भी डेरिवेशंस कर लेते हैं। इसमें देखो टी नहीं है, टाइम नहीं है, बट एक्सटेंशन है, तो मैं क्या लिखता हूं, ए इज इक्वल टू, हमने तो पढ़ा है डीवी बाई डी टी, तो बच्चों नया एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, या इंटीग्रेशन। सर नहीं दिख रहा है ऊपर का, इसको ना चेन रूल से ऐसे ऊपर का नहीं दिख रहा है। डीएस से कैमरा ऊपर कर दो। हां, ए को डीवी बाई डी टी लिखा और इसको ना एस के टर्म में लिखना है बिकॉज टाइम नहीं है, सो वी कैन राइट इन दिस वे फ्रॉम द चेन रूल। सो ए इज इक्वल टू हो गया, यहां से ये लिख लेंगे ds by dt को v, और अब इसको लिख लेते हैं dv by ds। अब इस ds को इधर लेके आ गए, तो पहले ये लिख लेता हूं v dv is equal to a ds। Now integrate this, v dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v square by 2 a को बाहर ले लेंगे, ds का इंटीग्रेशन s, और लिमिट पुट कर देंगे जीरो से सपोज s या s1 से s2 जो भी है, u टू v, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 को इधर लेके चले गए 2as। कैलकुलस के थ्रू जो हमने प्रूफ किया, थोड़ा सा आइडिया तुम्हें लग गया, कैलकुलस में बेस्ड हमने बहुत सारे सवाल करवाएंगे, लेकिन अभी सारे बच्चे नहीं कैलकुलस पढ़े अच्छे से, तो हम कैलकुलस बेस्ड सवाल बाद में लेंगे, पहले मैं नॉर्मल काइनेमेटिक्स जो सबको समझ में आए, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट दिस कि जिन बच्चों को नहीं समझ में आया ये, इसको लिख लो। इस फॉर्मूला में बेस्ट एक आध सवाल छोटा सा कर लेते हैं, बहुत छोटा सा सवाल। ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t is equal to 0 पे, पार्टिकल कहां पे, ओरिजिन पे, एंड हैव वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड। तो ये जो इतना सारा लैंग्वेज तुमने देखा, इसको आप शॉर्ट में अपने नोटबुक में लिखोगे कि इनिशियल वेलोसिटी है कितना, 3 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एट t इज इक्वल टू 0, x कोऑर्डिनेट इज 0, है ना? क्या पूछा है पहला सवाल? ये तो जो नया बच्चा जो पहला भी क्लास आज कर रहा होगा उसको भी आना चाहिए, ये सारे सवाल सॉल्व होने चाहिए। फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, दूसरा फाइंड पोजिशन दैट इज x कोऑर्डिनेट एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, तीसरा फाइंड पोजिशन ऑफ द पार्टिकल when its velocity becomes position at, क्या है position at t is equal to 10 second, मतलब x coordinate, x लिख दिया, when its velocity becomes, सर फर्स्ट का आंसर 5 मीटर पर सेकंड है, हां, व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 10 मीटर पर सेकंड, तीसरा सवाल, चौथा सवाल,
फाइन डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकेंड तो ये चार सवाल करने हैं आज के लिए सर थर्ड पार्ट मतलब वन सेकंड डालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट फिफ्थ सेकंड का मतलब हुआ कि फिफ्थ सेकंड दैट मींस टी इक्वल टू 4 से लेकर के टी इक्वल टू 5 में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना सर्वेश ने बताया कि उसका कुछ आंसर आया थर्ड वाला फार्मूला थर्ड वाला फॉर्मूला में कैसे निकलेगा बताओ कैसे थर्ड वाला फॉर्मूला लगा सर सेकंड वाला फॉर्मूला सेकंड कौन सा भी फॉर्मूला नहीं लगा इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है जीरो पे है टी इक्वल टू 0 पे और यहां से गया 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 टी इक्वल टू 4 सेकंड पे कहीं यहां पे है और टी इक्वल टू 5 सेकंड पे कहीं यहां पे है तो 4 और 5 का निकालेंगे तो हमें टाइम की लिमिट डालेंगे मतलब टाइम की लिमिट तो मान लो मैं कह दूं डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड और इसको बोल दूं तक का डिस्प्लेसमेंट और 5 तक का तो कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड इज इट क्लियर Yes, sir. तो ये सबको समझ में आ गया मैं कहता डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड कहते डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकेंड तो फिफ्थ सेकेंड का क्या लिखेंगे u इंटू 5 जो भी वैल्यू लिख लोगे 4 सेकेंड का निकाल लोगे और माइनस कर दोगे ये सॉल्व कर लोगे कुछ आ गया होगा किसी का आंसर आया सर्वेश का शायद 4.8 आया लेकिन बच्चों तुम बुक में देखो ना तो इसके लिए एक फॉर्मूला लिखा रहता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इस नाम से फॉर्मूला रहता है तुम कहोगे सर ने पढ़ाया नहीं मैं भी पढ़ा देता हूं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 u into n plus half a n square minus u into n minus 1 plus half a n minus 1 का square इसको solve कर लेता हूं मैं तुम भी देख लो this and this u आ जाएगा n minus 1 हो जाएगा 1 plus half a common n square minus ये लिख लेना ये बहुत आसान है डोंट आस्क डाउट्स इन दिस सिर्फ उतार लो प्लस हाफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दो तो 2n माइनस 1 ए प्लस बी और ए माइनस बी 1 हो जाएगा जैसे पिछले सवाल में पूछा था nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट तो u था तुम्हारा 3 प्लस
हाफ ए का 0.4 एन था फिफ्थ सेकेंड 2 × 5 − 1 सो 3 + 0.2 × 9 दैट इज इक्वल टू 4.8 मुझे लगता है कि आज का क्लास तो आसान रहा होगा, कुछ तकलीफ तो हुआ नहीं होगा, कुछ नया तो पढ़ा नहीं हमने, और तब तक तीन बच्चे भी एग्जिट हो गए, चूंकि 42 से 37 5 बच्चे एग्जिट हो गए हैं।